फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश डे 2M चैनल पे। आज हम बात करेंगे टू न्यू प्राइवेट स्कॉलरशिप के बारे में, बात करेंगे सेशन 2023 में, जिसकी लास्ट डेट यहाँ पे 31 जनवरी 2023 रहने वाला है। तो इस वीडियो को देखने के बाद अब स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई जरूर कर लीजिए, क्योंकि बेस्ट स्कॉलरशिप है जिसका नाम है पहला टाटा सिल्वर जुबली स्कॉलरशिप प्रोग्राम। जी हाँ, ये नई स्कॉलरशिप, इसमें आपको 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी। ठीक है, दो स्कॉलरशिप की बात करेंगे। पहली स्कॉलरशिप बात करेंगे, इसमें आपकी डिटेल वाइज बात करें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह, फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे और किस बेहाव पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है, सारी जानकारी देंगे। वीडियो कंप्लीट देखना, वीडियो पसंद तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड को भी शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ, बड़ी फर्स्ट स्टडी में आपको ये मिल जाएगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कौन कौन से बच्चे उसको अप्लाई कर पाएंगे और हाउ टू अप्लाई। ठीक है, ये चार चीजों को हम जानेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया, कुछ चीजें हम देख लेंगे यहाँ पे। इसमें एलिजिबिलिटी वगैरह हम देख सकते हैं, ओपन फॉर स्टूडेंट हु आर डोमिशियल लोकेशन जमशेदपुर, पटनगर, फरीदाबाद, पुणे, चेन्नई, ताड़ा एंड कोलकाता आर एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आप इन स्टेट से हैं, इन स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे टाटा स्कॉलरशिप को। अब कौन कौन से बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं, पहला इसमें जो है जो बच्चे आईटीआई कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, डिग्री फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। ठीक है, कौन कौन से फील्ड्स, इसमें साफ साफ लिखा गया है आप नर्सिंग से होने चाहिए, अंडर ग्रेजुएट अगर है तो मेडिकल कोर्स से होने चाहिए, जैसे एमबीबीएस, बीडीएस, ईटीसी। पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल कोर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो एनी स्पेशलाइजेशन, कोई सी भी स्पेशलाइजेशन हो सकता है उनका। पैरामेडिकल कोर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, आईटीआई डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, सच एज फिटर, इलेक्ट्रिकल, वेल्डर, सेफ्टी, ईटीसी, मतलब काफी जो लोग हैं इसको अप्लाई कर सकते हैं, फिल्टर इलेक्ट्रिक वगैरह बच्चे भी। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया साफ ज्यादा, इसमें जो आपको लिखा है क्लास ट्वेल्थ में, आपका टेंथ और ट्वेल्थ में एटलीस्ट 60% मार्क्स इसके होने चाहिए। अगर आपके क्लास टेंथ और ट्वेल्थ में 60% मार्क्स है तो डेफिनेट आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे चीजों के बारे में। लिखा गया यहाँ पे आपकी जो फैमिली की इनकम है कहीं ना कहीं 5 लाख से कम होनी चाहिए, ऑल सोर्स को मिलाते हुए। ठीक है, और यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज यहाँ पे दोनों के लिए स्कॉलरशिप यहाँ पे दी जाएगी। यहाँ पे इसमें साफ साफ लिखा गया आपको 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसमें लिखा है प्रेफरेंस टू बी गिवन गर्ल्स स्टूडेंट, जो गर्ल्स स्टूडेंट उनको प्रेफरेंस ज्यादा दिया जाएगा, खासकर एससी एसटी और जो डिसेबिलिटी है उनको ज्यादा यहाँ प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को भी स्कॉलरशिप मिलेगा लेकिन प्रेफरेंस इनको दिया जाएगा, 50% जो सीट होगा वो इनके लिए रिजर्व यहाँ पे रहने वाला है ऑलरेडी। ठीक है, आगे बात करते हैं इसकी स्कॉलरशिप जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2023 है, मतलब आज हो चुकी 8 तारीख। तो इस फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा बिल्कुल, अगर आप एलिजिबल नहीं तो अपने फ्रेंड को भी शेयर जरूर कीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ, डॉक्यूमेंट्स क्या है, इसमें क्लास टेंथ एंड ट्वेल्थ आपकी मार्कशीट यहाँ पे चाहिए होगी। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट इशू आइडेंटिटी प्रूफ आपको चाहिए, जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, इन तीनों में से एक डॉक्यूमेंट्स आपको देना है। तीसरा आपको फैमिली प्रूफ आपको देना है। चौथी चीज बैंक अकाउंट, उसके बाद रिसेंट फोटोग्राफ आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद बोनाफाइड है तो अपलोड कीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप स्कूल की जो आईडी कार्ड है, कॉलेज की आईडी कार्ड है, वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया कौन कौन से कोर्स वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं, कई बच्चे कमेंट करते हैं क्योंकि वीडियो नहीं देखते हैं वो। ठीक है, तो ये स्कॉलरशिप है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल सेम है आपका। सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होंगे मेरिट के आधार पर, फाइनेंशियल बैकग्राउंड के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद फिर आपका ऑफर लेटर वगैरह, उसके बाद आपका पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये पहली स्कॉलरशिप है जिसकी लास्ट जनवरी 2023 है। नेक्स्ट स्कॉलरशिप के बारे में चलते हैं, जिसको आपको मिल जाएगा विद्या सारथी पोर्टल पे आपको मिल जाएगा। कई बच्चों का कमेंट है सर विद्या सारथी पोर्टल में रिजल्ट नहीं आता है, क्या प्रॉब्लम है, अभी तक एक भी स्कॉलरशिप का रिजल्ट नहीं आया। ऐसा नहीं है, आप विद्या सारथी की ऑफिशियल वेबसाइट उठा के देखेंगे तो वाघ बकरी स्कॉलरशिप जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था बीई बीटेक के लिए, बीडीएस बीएचएमएस के लिए, तो उनका रिजल्ट ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। देख लीजिए 21 बाद हो जाए इसको रिजल्ट आ चुका है, देख लीजिए। तो अभी धीरे इसका रिजल्ट आउट होने वाला है। तो विद्या सारथी में काफी सारी स्कॉलरशिप है, जिसमें आपको बताना चाहता हूँ इसकी बोस्ट बेस्ट अगर प्राइवेट स्कॉलरशिप बात करूं जो है कॉनकॉर्ड बायोटेक स्कॉलरशिप। इसमें अगर बीई है, बीटेक है, बीए, बीएससी, बीकॉम, आईटीआई, डिप्लोमा किसी भी स्कीम के लिए है, किसी भी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है आप, तो अप्लाई कर सकते हैं, या अंडर ग्रेजुएशन वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें साफ साफ लिखा गया, आप देख लीजिए, कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट कोर्स सेशन 2022-23। इसमें आपको अमाउंट भले ही कम मिलेगा 10,000 स्कॉलरशिप, लेकिन चांस रहते हैं कि इन स्कॉलरशिप में अगर आप फॉर्म भरते हैं, अगर आपका सिलेक्शन होता है, तो आपको डेफिनेटली आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर दिया जाए। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, रीड मोर के ऑप्शन में जाते हैं, थोड़ी डिटेल वगैरह हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। चलिए इसको डिटेल हम थोड़ा पढ़ लेंगे इसके। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड बीई बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स में, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एमबीबीएस वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं, बी बीटेक वाले, आईटी डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेश और रिन्यूअल दोनों के लिए है, तो मैं यहाँ पे फ्रेश के लिए बता रहा हूँ, उसके डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं, रिन्यूअल और बाकी जितने भी है उनका सबका सेम यहाँ पे रहने वाला है। तो मैं यहाँ पे रीड मोर के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ।
और देख सकते इसकी जो लास्ट डेट 31 जनवरी 2023 तक यहाँ पे रखी गई है। तो इस फॉर्म को जल्दी से अप्लाई कीजिएगा अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया है। मिनिमम 50% मार्क्स आपके क्लास एंड क्लास ट्वेल्थ में, तो बहुत अच्छा है स्कॉलरशिप। इसमें 5 लाख आपकी फैमिली की इनकम होनी चाहिए, इससे कम हो सकता है, आपके से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे इसमें साफ साफ लिखा गया, आप देख सकते डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की बात करें तो आपका सबसे पहले प्रूफ आईडेंटी कार्ड लगेगा, बैंक अकाउंट आपका लगेगा, उसके बाद आपका बोनिफाइड नहीं है तो इसको आईडी कार्ड आप दे सकते हैं, आपकी फैमिली की इनकम सर्टिफिकेट आपका देना पड़ेगा, और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स और एडमिशन लेटर और मार्कशीट आपको प्रीवियस क्लास की मार्कशीट आपको देनी पड़ेगी। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे, तो इसको जल्दी से अप्लाई कीजिएगा। और एक चीज़ बता देता हूँ मैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है आपका PNG JPG फाइल में आपका अपलोड हो सकता है,